सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हरा करके अपने नाम किया और इस प्रकार से विजेता और चैंपियन बनी तमिलनाडु की टीम और उपविजेता बनी कर्नाटक की टीम। तो दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब इस बार भी तमिलनाडु ने जीत लिया और इस बार इन्होंने कर्नाटक की टीम को 4 विकेट से हराया और यह जो खिताब है उसको अपने नाम कर लिया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को पूरा फुल डिटेल्स के साथ में देखते हैं। बीसीसीआई के घरेलू T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 4 नवंबर 2021 से 22 नवंबर 2021 तक खेला गया और यह भारत के 6 शहरों में खेला गया, बड़ौदा, दिल्ली, गुवाहाटी, हरियाणा, लखनऊ और विजयवाड़ा। तो दोस्तों, बीसीसीआई के यह जो है घरेलू T20 मैच होते हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुआ वह 4 नवंबर यानी कि 4 नवंबर 2021 से लेकर के 22 नवंबर 2021 तक खेला गया और यह भारत के 6 शहरों में खेला गया जिनके नाम है बड़ौदा, दिल्ली, गुवाहाटी, हरियाणा, लखनऊ और विजयवाड़ा। इसमें कुल 38 टीम यानी कि 38 टीम खेले गए और कुल मैचेस हुए 105। तो कुल मैचेस 105 और टोटल टीम जो थे वह थे 38। क्वार्टर फाइनल 4 टीमें पहुंची थी, उनके नाम है तमिलनाडु, विदर्भ, हैदराबाद और कर्नाटक। तो क्वार्टर फाइनल में जो 4 टीमें थी उनके नाम है तमिलनाडु, विदर्भ, हैदराबाद और कर्नाटक। पहला सेमीफाइनल तमिलनाडु ने हैदराबाद को 8 विकेट से हरा करके फाइनल में प्रवेश किया और दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक ने विदर्भ को हरा करके फाइनल में प्रवेश किया। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी ध्यान रखना है कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो हुआ वह तमिलनाडु ने जीता जिसने हैदराबाद को 8 विकेट से हराया और दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक ने विदर्भ को हराया और फाइनल में जीत गए, तो फाइनल में पहुंच गए। तो इस प्रकार से फाइनल जो मैच होने वाला था अब कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो अब बात करते हैं फाइनल मैच के बारे में। तो फाइनल मैच 22 नवंबर 2021 को अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया, यानी कि 22 नवंबर 2021 को अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया और इस मैच में तमिलनाडु ने टॉस जीत करके फील्डिंग का फैसला किया। तो तमिलनाडु ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटक की टीम 151 रन 7 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में बनाए, यानी कि 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन कर्नाटक की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए। बाद में बल्लेबाजी करते हुए तमिलनाडु ने 20 ओवर में 153 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाया और 4 विकेट से यह मैच जीत करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का चैंपियन बना। तो दोस्तों, बाद में बल्लेबाजी करते हुए तमिलनाडु की टीम जो है वह 153 रन 6 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में बनाया और 4 विकेट से यह मैच जीत करके चैंपियन बन गया। दोस्तों, तमिलनाडु का यह लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टाइटल है और कुल मिलाकर के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को तमिलनाडु की टीम ने 3री बार जीता है। तो दोस्तों, यह लगातार तमिलनाडु का दूसरा टाइटल है। पिछली बार भी यानी कि पिछले साल भी तमिलनाडु की टीम ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बार ट्रॉफी जीता था। अगर आप लोगों को पिछली बार के बारे में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी जानकारी दी गई है। तो ये इनका लगातार दूसरा है और कुल मिलाकर के इन्होंने यानी कि तमिलनाडु की टीम ने 3रा टाइटल जीता है। फाइनल मैच में बात करते हैं तो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे शाहरुख खान जो तमिलनाडु टीम के खिलाड़ी हैं। तो शाहरुख खान जो है वह आखिरी गेंद पर छक्का लगा करके तमिलनाडु टीम को विजय दिलाया है और ये है तमिलनाडु टीम के तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे शाहरुख खान फाइनल मैच में और आखिरी गेंद पर इन्होंने छक्का लगा करके मैच जिताया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का जो खिताब है वह तमिलनाडु ने जीत लिया है और उपविजेता जो टीम बनी वह कर्नाटक की टीम बनी और यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच रहे शाहरुख खान। तो आपको इतनी सारी जानकारी को ध्यान रखना है और इसमें जो है कुल 38 टीम भाग लिए थे, कुल 105 मैच हुए और भारत के 6 शहरों में खेला गया। तो ये आपको इतनी सारी जानकारी को याद रखना है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए।